गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सुविचार, जब तक आपने अभ्यास नहीं किया है सिद्धांत बेकार है, अभ्यास करने के बाद सिद्धांत जाहिर है। इसका मतलब यह है कि योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे लव उतनी ही उज्जवल होगी। शरीर और मन को शांत करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठिए। मंत्र उच्चारण में हम आज गुरु का स्मरण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशविनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धीरे धीरे आंखें खोलिए। पहले वर्ग में हमने शरीर संचलन किया था, वह नियमित करना है, और आज उसी के साथ नया व्यायाम करना है, बटरफ्लाई मूवमेंट यानी तितली व्यायाम। यह व्यायाम करते समय हमारी बॉडी पोजीशन तितली जैसी हो जाती है। यह व्यायाम करते समय नीचे बैठकर पैर सीधे कीजिए। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े और पैरों के तलवे आपस में मिला लें। दोनों हाथों से पैरों को पकड़े और एड़ी को जननांगों यानि पेट के नीचे वाले भाग के जितना करीब हो सके उतना करीब लाने की कोशिश करें। आपके हाथ और शरीर भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब तितली की पंखों की तरह पैरों को हिलाना शुरू करें। यह व्यायाम 1 से 2 मिनट करना है। आज मैं आपको पद्मासन सिखाने वाला हूँ। पद्म का मतलब होता है कमल। शरीर मन इंद्रियां, शारीरिक और मानसिक स्तर के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है। ध्यान करने वाले आसनों में इस आसन की गिनती होती है। प्राणायाम और ध्यान करने के लिए यह आसन सबसे उत्तम है। इसके अभ्यास के लिए दोनों घुटने सीधे करेंगे और दंड आसन में आएंगे। अब अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे और बाईं जंघा के ऊपर रख देंगे। इस प्रकार आसन में दोनों घुटने नीचे की ओर दबे रहेंगे। जमीन के नज़दीक दोनों पैर की एड़ियां नाभि के अगल बगल रहेगी। हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और आंखें बंद करना है। फिर वापस आते समय धीरे धीरे आंखें खोलें। हाथ कमर के पास जमीन पर रखना है। फिर बायां पैर सामने लाना है, उसके बाद दायां पैर सामने लाना है, और जैसे हमने पहले दाएं से आसन की शुरुआत की थी वैसे ही बाएं से भी करना है। अब यह वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आसन के फायदे बताऊंगा।
जब हम इस प्रकार बैठते हैं तो पाचन तंत्र को ऊर्जा यानी शक्ति मिलती है और भोजन का पाचन अच्छे से होता है। इसके अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है और सोच में सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी आती है। सावधानियों के रूप में इतना ध्यान रखें, घुटनों में दर्द और पीठ से संबंधित कोई भी गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास ना करें।